जो पहाड़ों से जो युवा वर्ग जो इधर उधर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नूना रोटो खूलो पहाड़ में बसी जूना आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों से। गाइज, आज मैं हूँ विलेज मटेना में, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे साथ है सूरज। हेलो जो मौसम दोस्तों, ये है बरसिम, जो कि जानवरों के चारे के लिए यूज में आता है। सासु मेरी जुरी रली मने दूना रोटो खूलो पहाड़ में बसी जूना दूना रोटो खूलो पहाड़ में बसी जूला कारोबारो पहाड़ करू लो परदेश निजूला चारी गोरु चारी बकर भी भैंसी धरू लो दूना रोटो खूलो पहाड़ में बसी जूला। अभी शाम के वक्त का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। सभी लोग अपना अपना काम निपटा के खेतों से आ रहे हैं। सामने जो आपको रोड दिख रही है, ये आ रही है बैजनाथ से और ये पूरे विलेज मटेना को कनेक्ट कर रही है आगे की तरफ। ये हमारा धारा है बहुत पुराना, इस पे भी मैं पानी लेने आई हूँ। अब नल लग गए हैं घर घर पे, तो इस धारे की कोई पूछ नहीं हो रही है। कोई पूछता नहीं है इसको? कोई पूछता नहीं है इसे। अब आज हमारे नल खराब हो गए, तो आज मैं धारे पे फिर आ गई हूँ। इस धारे का पानी बहुत मीठा होता है। अच्छा, ये ठंड के दिनों में गर्म होता है ना? हाँ, ठंड के दिनों में गर्म होता है, गर्मियों में ये बहुत ठंडा होता है। हाँ, इस पानी को अमृत कहा जाता है। मैं चंद्रशेखर जोशी, पूर्व ग्राम प्रधान मटेना। हम जो धारे पर खड़े हैं अभी, ये बहुत पुराना धारा है। इतना पुराना हो ये करीबन जब से यहाँ पे बसाकत बनी होगी आज से 200 वर्ष पूर्व। अच्छा, 200 साल पुराना? 200 साल पुराना है जी। और ये बांस के पेड़ों के बीच में है। और इस धारे के आसपास करीबन 500 मीटर दूरी तक कोई भी शौचालय या वो ऐसे वो नहीं है कोई नहीं। अच्छा, तो ये शुद्ध पानी है। तो हमारे गढ़शेर के, हमारे मटेना के और सारे लोग जो है इस पानी को अपने बर्तनों में भर करके ले जाते हैं। आने जाने वाले लोग जो हमारे ग्राम पंचायत बंड है, जिनखोला है, बंड है, कोटली है, तो वो लोग भी सब जब बाजार को आते हैं जाते हैं, बच्चे लोग आते जाते हैं, तो वो यहाँ पर विश्राम भी करते हैं और पानी भी पीते हैं और भर के भी ले जाते हैं बोतलों में। इस पानी का हमने गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्थान कोसी कटार में भी हमने इसकी जांच कराई, तो ये पानी सबसे अच्छा पानी पाया गया है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रही आज। अच्छा, जरूरत है इसे संरक्षित रखने, इसको संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। हाँ, भविष्य में भी इसका हम संरक्षण करेंगे। जो पहाड़ों से जो युवा वर्ग जो इधर उधर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हाँ जी, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा पहाड़ों के पलायन के संदर्भ में। तो आज पहाड़ों के पलायन के संदर्भ में बहुत बातें क्या है कि एक तो हमारा शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, तो उनके साथ उनके माता पिता भी लोग जा रहे हैं बाहर पलायन करने के लिए। और दूसरी बात क्या हुई कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमारे जो अस्पताल बने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज ही क्यों नहीं बन गए, वो सारे रेफर सेंटर बन गए। क्यों? हमारे यहाँ के जो लोग बागेश्वर जा रहे हैं, वो उनको रेफर अल्मोड़ा के लिए कर रहे हैं, अल्मोड़ा वाले हल्द्वानी के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार के रेफर सेंटर हमारे बने हैं, तो इससे हमको कोई फायदा नहीं मिल पाया हमारे बच्चों को। तीसरी बात ऐसा है कि हमारे यहाँ जो छोटे मोटे लघु उद्योग लगने चाहिए थे, तो सरकारों ने उसमें बहुत बड़ी उदासीनता बरती। हमारे यहाँ बहुत से उद्योग लग सकते, जैसे खड़िया के उद्योग थे,
मैग्नेसाइट के उद्योग थे, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग हमारे वहाँ लग सकते थे। तो इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने इसमें उदासीनता बरती और वो लोग नहीं चाहते थे कि पहाड़ का विकास हो। वो चाहते थे, जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ बने वो चाहते थे कि स्वयं हमारा विकास हो, कि ये लोग कहीं आगे बढ़ करके कहीं हमारी जगह न ले लें। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है। हाँ, पलायन को रोकने के लिए जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे हमारे उसमें उद्योग बन जाए, उद्योग लग जाए हमारे, जैसे खड़िया आधारित उद्योग है, मैग्नेसाइट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग है, कुछ ऑर्गेनिक खेती वगैरह, ऑर्गेनिक खेती के लिए है किया जाए तो और हमारे यहाँ के जो ये छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं, छोटी छोटी बांध बने, छोटे छोटे बने, उसमें जल विद्युत परियोजनाएं बने जो एक दो गाँव को जो है वो लाइट भी दे दें और उन लोगों का रोजगार भी मिल जाए। बंदर हो गए, ये जो लंगूर हो गए, आवारा पशु जो हो गए हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ आप देखो कि इतनी बड़ी वैली है, इसमें हम पर्याप्त मात्रा में फल सब्जी उगाते थे। आज बंदरों ने हमारा, और तो रहा अलग, हम जो घास के लिए बरसीम बो रहे हैं ये वो बरसीम को भी वो खा जा रहे हैं। काश्तकार अगर जमीन बोता है उसको वो चढ़ जाते हैं, साग सब्जी वगैरह को बंदर खा जाते हैं। तो पलायन नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा, उसके पास और कोई विकल्प है ही नहीं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। दोस्तों यहाँ पे हो रही है नहर की सफाई, यहाँ माटो सफाई करी रखे कुछ हम। कितना टाइम हो गया आपको घर नहीं हो गया? मेरे को हो गया 2 महीना कम से कम ऐसे हो गए। अच्छा, तो घर की याद आती है? हाँ घर की याद आती है, फोन करता हूँ घर में। अच्छा हाँ, अभी तो नेपाल के लोगों को क्या बोलना चाहोगे अपने, जरा नेपाली में बताना। बस नेपाल में यस्तै हो, अब रमाइलो लाग्छ यता यो के रे यो एरिया और नेपाल को एकदम मिल्छ, यो भाषा पनि मिल्छ, एकदम रमाइलो लागिराछ, एकदम खुशी लाग्छ, आफ्नो घरको जस्तै लाग्छ। अच्छा, अनि त्यही भएर अब कोही दिक्कत परेशानी त नि होती यहाँ पे? छैन, आफ्नो गाउँ घरको जस्तै छ, एकदम रमाइलो छ, बहुत रोमान्टिक छ, एकदम चिसो पानी, चिसो पानी पाइन्छ, हावा फ्री छ, एकदम इन्जोय हुन्छ, पैसा पनि कमाइ हुन्छ, रमाइलो हुन्छ एकदम। सुक्यो माकासो गारुनी भाइराबाट हेर्दै छन् तारुनी, आउँछौ आउँदिनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदिनौ पक्कै मर्छु म भेट्नै पाउँदिनौ, हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदिनौ पक्कै मर्छु म भेट्नै पाउँदिनौ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा टेकू टेक बहादुर थापा। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो मेरे को बहुत खुशी लगा। गोरब छहा घाल होली पराल होली के लिहु काबो रक गोर बास एक गोर छु एक थोर छु। यह नाम काजल और वह नाम हूँ वी नाम बानू। अच्छा बानू। छाना बिलोरी छाना बिलोरी यो लाई गोलन है ये ओ भला पात हरी यो भवर लाई सियो। पहाड़ों में आजकल लाई बहुत ज्यादा होती है तो इसकी अभी गुड़ाई कर रहे हैं। बहुत शाख है मुझे लाई, बहुत है दिल है और मूलक है मेथिल है मेथ रहे आई मैल बो रहे हमून ये है चीड़ की लकड़ी। अच्छा, इससे ये जब घाव पड़ते हैं ना पेड़ों में तो उससे इससे छिलुक बन जाता है। अच्छा, तो हम जंगल से इसको फाड़ के लाते हैं पेड़ पर से, तो घर आके इसमें आग जलाते हैं हम। अच्छा, ये छिलुका इतना तेज जलता है, पहले से ही छिलुक से जलाते थे, आजकल तो कहाँ जला रहे हैं छिलुक से, कोई मट्टी तेल डाल दे रहा है, कोई पेट्रोल डीजल डाल दे रहा है। अब देखो डालते हैं पन्नी पंडी पॉलिथीन, उससे आग नहीं जलानी चाहिए, हिंदी में राह कहते हैं, पहाड़ी में छरवण कहते हैं। तो उसको खेतों में डालोगे तो वह खेतों को खराब कर देता है। अच्छा। पॉलिथीन से जलाई हुई आग तो छिलुक से जलाओगे तो इसको कहीं भी डाल लो, इसकी जो राग होती है वो पेड़ों में डाल दो तो खाद की कोई जरूरत ही नहीं रहनी। अच्छा। और पहले के लोग पुराने पुराने लोग क्या करते थे, इससे कपड़े धोते थे, इसकी राख से कपड़े धोते थे। अच्छा। आजकल तो कहाँ धोते हैं, आजकल तो कितने आइटम चल गए कपड़े धोने के लिए। तो फिर भी देखो हम कहीं कभी कभी कंबल हम्बल इसके राख से धो देते हैं।
अच्छा। हाँ ये छिलका जलाया, ये आग दिन भर मौसम ठंडा है इसलिए अब आग जलाते हैं, आग सेकते हैं और रोटी बनाओ इसमें इतनी अच्छी रोटी, सब्जी बनाओ अच्छी, दाल बनाओ बिल्कुल बहुत जल्दी पक जाती है, गैस से भी अच्छी बन जाती है, काफी मीठा भी होता है ना, और मीठा भी होता, रोटी तो बहुत मीठा होती है और गैस की प्रॉब्लम भी कम होती है इससे। आग में कोई भी खाना बनाओ शुद्ध भी खाते हैं उससे, वो शुद्ध भी हो जाती है। ये कनिस्टर है, ये तेल का कंटर, कंटर तेल का कंटर है, तेल खत्म हो गया तो इसको काटा दराती ने गोल करके काटा, काट के हमने इसमें एक लकड़ी बनाई गोल गोल, लकड़ी काटी इधर से भी एक कील यहाँ से एक कील यहाँ से, अच्छा दो कील मार दिए इसमें पकड़ने के लिए क्योंकि यह लकड़ी जो होती है गर्म नहीं होती है, ठंडों के दिनों में पानी ज्यादा गर्म चाहता है क्योंकि हमारे गाय बच्चे भी गर्म पानी ही पीते है ना, यहाँ हम आजकल ठंडा पानी नहीं देते है उनको, हम नहीं पी सकते हैं तो वो कैसे पियेंगे ठंडा पानी, वो लड़का पानी पिला रहा है वो। ये बिल्ली भी आपकी है? हाँ, हमने तीन बिल्लियाँ रखे हैं, अभी तो एक ही है, तीन बिल्ली रखे हैं, एक कुत्ता रखा है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइड और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।